नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में, और मैं हूँ विकास टेकरे। दोस्तों, एमए में मराठा साम्राज्य के वीडियोस को छोड़कर ज़्यादातर वीडियोस को मैं इसी तरह से बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा फैक्टफुल नहीं है, ज़्यादा चीज़ें रटने वाली नहीं है, कोई ट्रिक बताने की ज़रूरत आपको है नहीं। इसलिए सिर्फ नॉर्मली अगर आप सुने और ध्यान से स्क्रीन पर देखें तो आप अपने उत्तर को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। अगर फोर्थ सेमेस्टर में आपका पर्यटन है या फिर थर्ड सेमेस्टर में आपका पर्यटन है और उसमें एक टॉपिक है गाइड करके, टूरिस्ट गाइड या फिर पर्यटन, तो वहाँ पर इस तरह के प्रश्न बनने की संभावनाएं होती हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एमए फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री की। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि पर्यटन चक्र क्या होता है, पर्यटन चक्र आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर्यटन चक्र नॉर्मली अगर समझाएं तो जो प्लानिंग होती है उसे ही हम पर्यटन चक्र कहते हैं, कि गाइड आपको कब कहाँ लेकर जाएगा, कितने बजे कैसा क्या करेगा और फिर कब तक आपको लाकर छोड़ेगा। जो आप कहीं जाने से पहले प्लानिंग करते हैं एक्चुअल में उसे ही पर्यटन चक्र कहा जाता है। तो आप देखिए, यहाँ पर कुछ पढ़कर भी देख लेते हैं। पर्यटन चक्र परिपथ या गलियारा, गलियारा यात्री पथ एवं यात्री चक्र, पर्यटन चक्र से आशय है। पर्यटन के लिए आवश्यक है कि वह अपने पर्यटन क्षेत्र को निर्धारित करे कि कहां कहां उसे जाना है। इस निर्णय के बिना पर्यटक अब की स्थिति एक गंतव्य विहीन नाविक की होगी, जो अपना किनारा न जान सकने के कारण समय, पैसे और अपनी एनर्जी, इन सभी को वेस्ट करता है। उसे लाभ के रूप में या उद्देश्य पूर्ति के रूप में कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। अतः पर्यटन प्रारंभ करने के पूर्व उसको अपने जो जहां पर उसे जाना है उस स्थान को निश्चित करना होता है। रास्ता लंबा है या छोटा है, इस प्रकार की जानकारी उसे पता होनी चाहिए कि उसे कहाँ रुकना है आगे जाकर, कहाँ नाश्ता करना है। और इसमें अधिकाधिक लाभ वह तभी प्राप्त कर सकेगा जब उसे जितनी दूरी और समय यात्रा करनी है हो उसमें वह एक मार्ग से जाए और दूसरे मार्ग से लौटे। ऐसा करने से उतनी ही दूरी, पैसे तथा समय से अधिक स्थित स्थानों को देख सकता है। यानी कि अगर कहीं आप टूरिस्ट प्लेस में जा रहे हैं तो आप सिर्फ एक स्थान से जाकर उसी स्थान से वापस लौट गए तो आप ज़्यादा कुछ नया नहीं देख पाएंगे। नया देखेंगे भी तो आप उसी सड़क से गए थे देखते हुए और उसी सड़क से वापस आ रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो नेशनल पार्क होते हैं या फिर बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन यहाँ पर ऐसी होती है कि आप घूमने तो जाते हैं एक गेट से लेकिन निकलते हैं आप दूसरे गेट से। तो उसका उद्देश्य यही होता है कि आप उसी रास्ते से वापस आएंगे तो आप उन्हीं चीज़ों को दोबारा देखेंगे, लेकिन अगर आप दूसरे रास्ते से वापस आएंगे तो तब भी आपके लिए सफ़र नया रहेगा और आप नई चीज़ों को देख पाएंगे। अपने निर्धारित पैसों से वह अधिक से अधिक स्थल अपनी रुचि के अनुसार देख सके, यह योजना बनाई जाती है। इसमें निर्देशक तथा पर्यटक दोनों को ही सुविधा रहती है, यही पर्यटन की वैज्ञानिक रीति है। इस प्रकार की चक्रात्मक योजना जो पर्यटन के संबंध में किसी विशेष पर्यटक के बनाई जाती है उसे पर्यटन चक्र कहते हैं। अतः कहा जा सकता है कि पर्यटन चक्र वह चक्रात्मक पर्यटन की योजना है जो पर्यटन से, पर्यटन के पूर्व, पर्यटन के उद्देश्य से बनाई जाती है, जिसमें वह एक मार्ग से जाकर दूसरे मार्ग से लौटता है तथा निश्चित समय, व्यय और उद्देश्यों के अनुरूप होती है। यानी कि एक परफेक्ट प्लानिंग कही जाने की किसी टूर की, आप उसे पर्यटन चक्र कह सकते हैं। तो यहाँ पर पर्यटन चक्र आपने समझा होगा, ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 5 नंबर में भी इससे जुड़ा प्रश्न बनाया जा सकता है। इसलिए हम पर्यटन चक्र को बड़े पैमाने पर समझेंगे। पर्यटन चक्र बनाने के आधारभूत तत्व क्या होते हैं वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। पर्यटन एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए है, चाहे उसका उद्देश्य सांस्कृतिक स्थलों को देखना या ऐतिहासिक सामग्रियों का निरीक्षण करना, अवकाश का समय बिताना आदि हो, इसका वह अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहेगा, क्योंकि यह एक अत्यधिक व्यवसाध्य क्रिया है। इसकी पूर्ति के लिए चक्र बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पर्यटन चक्र है
उसके क्या उद्देश्य हैं और उसको बनाते समय हमें किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए। तो ये देखिए, पहले तो पर्यटन के उद्देश्य हमें देखना है कि हमें कहाँ कहाँ जाना है, किन उत्सवों में शामिल होना है। तो ये पूरी प्लानिंग कि हम वहाँ पर जा क्यों रहे हैं, ये हमारा उद्देश्य हो जाता है। दूसरा हो जाता है पर्यटन का समय, कि हम वहाँ पर कितने बजे पहुँचेंगे, कितने बजे हमें वापस लौटना है, टोटल समय हमें कितना लगने वाला है, ताकि आप अपने काम से छुट्टी ले सके उतने समय के लिए। इसलिए पर्यटक का समय भी एक महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर हो जाता है पर्यटन का व्यय। अब आपको लग रहा है कि भैया वैसे तो कहा जाता है कि शौक की कीमत नहीं होती है। अब आपने कहा कि हमें केदारनाथ जाना है और आप निकल पड़े केदारनाथ जेब में 5,000 रुपये लेकर, 2,000 रुपये लेकर। और फिर जब आप केदारनाथ पहुंचे तो पता चल रहा आप रेलवे स्टेशन में भीख मांग रहे हैं। इसलिए पर्यटन, आप कहीं भी जा रहे हैं, आप छोटी जगह जाएं या बड़ी जगह जाएं, आपको पहले ये डिसाइड करना होता है कि आपको वहाँ पर कितनी लागत आ सकती है, कितने पैसे खर्च आपको करने पड़ सकते हैं। वरना वही है कि फिर आपको भी लाइन में लगना पड़ेगा और फिर कटोरा उधर मिलने वाला नहीं है और बहुत ज़्यादा मुसीबत आपको देखनी पड़ेगी। और एक पर्यटक ये नहीं सोच सकता है कि मैं बिना टिकट के रेल में चढ़ जाऊँगा या फिर पैदल चल लूँगा। पर्यटन में अगर आप जा रहे हैं तो आपको सकारात्मक या फिर प्लस चीज़ों को लेकर चलना चाहिए और उसके नेगेटिव चीज़ों को आपको छोड़कर जाना होता है। मौसम की अनुरूपता, आपको ये भी देखना होगा कि आप जिस स्थान पर जा रहे हैं वहाँ का मौसम कैसा है। जैसे अगर आप मार्च अप्रैल में कश्मीर जाते हैं तो ये वहाँ पर का सबसे बेहतरीन समय माना जाता है कि कश्मीर घूमने के लिए। लेकिन अगर आप दिसंबर में कश्मीर चले जाते हैं तो फिर आपकी कुल्फी वहीं जम जाएगी और आपका वहीं पर राम नाम हो जाएगा। इसी तरह से आप जिस भी डेस्टिनेशन में जाएं, जैसे इस समय पर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जुलाई जून जुलाई का जो समय है जब बारिश हल्की हल्की शुरू होनी शुरू होती है, तो ये पचमढ़ी जैसे हिल स्टेशंस में जाने का समय होता है, जहाँ पर आपको प्राकृतिक नज़ारे बहुत ज़्यादा सुंदर तरीके से दिखने शुरू होते हैं और झरने बहने की शुरुआत होने लगती है। इसीलिए आपको ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ का वेदर कैसा है। इसके बाद में देखिए पर्यटक का स्वास्थ्य, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब ये 80 साल का पर्यटक ये नहीं सोच सकता कि मैं जाकर माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगा और वहाँ पर पर्यटन करूँगा, ये नहीं सोचा जा सकता है। इसी तरह पर्यटक की हेल्थ भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कि जिस स्थान पर वो जाना चाहता है उस स्थान के जाने के लायक वो है या नहीं। यही कारण है कि भारत सरकार जो इम्पोर्टेंट कुछ जोखिम भरे पर्यटन स्थल है, जैसे वैष्णो देवी यात्रा हो गई, केदारनाथ यात्रा हो गई या फिर अमरनाथ यात्रा हो गई, मानसरोवर यात्रा हो गई, इन यात्राओं के लिए हेल्थ सर्टिफिकेट लगता है, ताकि यह पता चल सके कि आप जाने लायक है या नहीं। वरना आप वहाँ पर आपको कोई हेल्थ इशू आ गया तो आपको न केवल आपको समस्या होगी बल्कि आसपास के लोगों को भी समस्या होगी। यही कारण है कि आपको ये देखना चाहिए कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। दोस्तों, यहाँ पर मैं अपने तरीके से समझा रहा हूँ, अगर आपको कुछ लगे कि आप बहुत अच्छे तरीके से किताब से पढ़ सकते हैं तो कृपया स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को रोक लें। सामूहिक पर्यटन या पारिवारिक पर्यटन, अब ये भी देखने चाहिए कि आप जा कैसे रहे हैं। आप अकेले जा रहे हैं, दोस्तों के साथ जा रहे हैं या फिर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं। पता चला आप अपने मम्मी पापा को लेकर गोवा पहुंच गए या बैंकॉक पहुंच गए, तो फिर भैया आपकी तो खैर नहीं। फिर और फिर पता चला कि आप अपनी वाइफ को या फिर अपने दोस्तों को लेकर आप रामेश्वरम चल गए, तिजाव चल गए। यहाँ पर जाने की बात नहीं है, यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल बात है कि आप किस तरह के डेस्टिनेशन में उन्हें ले जाना चाहते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि आप अपने दोस्तों के साथ में, अपनी वाइफ के साथ में ऐसी जगह पर जाना चाहेंगे, अपने जीवन साथी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हो, कि आप जहाँ पर खुलकर जी सके, एंजॉय कर सके लाइफ को। लेकिन आप अपने माता पिता के साथ जब किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाना चाहेंगे तो आप ऐसे स्थान पर जाना चाहेंगे कि जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप उन्हें सुकून दे सके, उन्हें आनंद दे सकें, चाहे वो आध्यात्मिक आनंद हो या फिर किसी और प्रकार का। तो यहाँ पर ये देखना जरूरी होता है कि आप अकेले जा रहे हैं, दुकेले जा रहे हैं या फिर बहुत भीड़ को लेकर जा रहे हैं। तो उनकी उम्र, उनके स्वास्थ्य और उनसे जुड़ी बहुत सारी बातों को भी आपको देखना होता है। पर्यटन का क्षेत्र,
आपको ये भी देखना होगा कि आपका पर्यटन का क्षेत्र कहाँ पर है, क्योंकि अगर आप ये ही नहीं पता कि आपको कि आपका पर्यटन क्षेत्र कहाँ है और आपके घर से उसकी दूरी कितनी है, उधर का सड़क का मामला कैसा है, मौसम का मामला कैसा है, इसकी जानकारी अगर आपको नहीं है तो फिर आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब देखिए, पर्यटन चक्र कैसे बने या फिर उसके आवश्यक उद्देश्य या फिर पर्यटन चक्र को निर्धारित करने वाले तत्वों को हम देख चुके हैं। अब हम यहाँ पर पर्यटन चक्र का क्रम देखते हैं कि पर्यटन चक्र का क्रम कैसा होता है। हम चक्र शब्द स्वयं बोधक है, चक्र शब्द स्वयं बोधक है कि जहाँ से हम प्रारंभ करते हैं वही लौट आना ही चक्र बनाता है। चक्र यानी कि सर्कल, जहाँ पर से शुरू होता है वहीं पर से खत्म होने पर ही वह सर्कल कहलाता है। इसीलिए चक्र का मतलब होता है कि हम जहाँ पर से टूर शुरू कर रहे हैं वहीं आकर ख़त्म करेंगे और परफेक्ट रूप में ये ख़त्म होना चाहिए, ये पर्यटन चक्र का उद्देश्य होता है। यहाँ पर एक रास्ते से जाकर दूसरे रास्ते से लौटना, जिससे यात्रा चक्रित रूप में हो, इस यात्रा में कम से कम समय और आर्थिक स्थिति के अनुसार ठहराव का स्थान तथा देखने के स्थल निर्धारित करने चाहिए। यदि कम समय हो अथवा कम पैसा हो या दोनों ही हो तो केवल मुख्य स्थानों पर ही जाना चाहिए और कम स्थानों पर ठहरना चाहिए। पर यदि इसके विपरीत स्थिति हो तो अधिक से अधिक स्थानों पर घूमने तथा ठहरने से दूसरे स्थान पर जाने की इच्छा बनानी चाहिए, जिससे पर्यटक की यात्रा में क्रमबद्धता बनी रहती है। तो यहाँ पर आपको अपने स्थिति के हिसाब से घूमना चाहिए। देखो, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि इनके नोट्स में क्यों नहीं बना रहा हूँ। मैं फोर्थ सेमेस्टर में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स के नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि आप खुद यहाँ पर सुन के या फिर पढ़ के आपको लगता होगा कि यार ये तो बहुत ईजी है। इसीलिए मैं इनके नोट्स नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ में समय अपना नहीं देना चाहता हूँ कि जो बहुत ही आसानी से समझाई जा सकती थी लेकिन मैं उसे डिफ़िकल्ट बना दूँ नोट्स के ज़रिए। इसीलिए मैं सीधे बुक की फ़ोटो ले रहा हूँ और यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके इन वीडियोस को अपलोड कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हों। किसी प्रकार की कमी लगे या फिर किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो बनाना हो तो ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी मदद के लिए अवेलेबल रहूँगा। देखिए, पर्यटन चक्र का निर्माण कैसे होता है। पहला आता है क्षेत्रीय। यदि आप उत्तरी भारत के ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए अक्टूबर के दशहरे का समय चुनना होगा, जिसमें समय एवं धन को भी ध्यान में रखना होगा। उसके लिए हम निम्न पर्यटन चक्र बना सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल यह है कि पर्यटन चक्र का निर्माण कीजिए। पर्यटन चक्र का निर्माण करने का मतलब क्या है कि आपको एक प्लान बनाना है कि आप पर्यटन शुरू कर रहे हैं, तो आप उत्तर भारत का पर्यटन शुरू कर रहे हैं अक्टूबर माह में। तो देखिए आप कैसे करेंगे। वाराणसी एक दिन ठहर कर दूसरे दिन गाड़ी से इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज जाकर वहाँ ऐतिहासिक किला, संगम, स्वराज भवन, संग्रहालय, कौशाम्बी की खुदाई दूसरे दिन देखकर लखनऊ के लिए प्रस्थान करना है। इसके बाद में वहाँ एक रात ठहर कर विभिन्न ऐतिहासिक इमारतों को देखने तथा विधानसभा भवन, संग्रहालय, चिड़ियाघर आदि देख कर दूसरे दिन सीतापुर जाकर नैमिषारण्य भ्रमण, फिर उसी दिन हरिद्वार के लिए प्रस्थान करना, वहाँ जाकर हरपैड़ी, कनखल में दक्ष प्रजापति का मंदिर, मनसा देवी तथा चंडी देवी का मंदिर एक दिन देखना है। फिर तो इस प्रकार से पूरा प्लान बना रहे हैं कि एक रास्ते से ये जाएंगे, फिर दूसरे रास्ते से ये जाएंगे और फिर वापस ये देखते हुए वाराणसी से ये अपना सफ़र शुरू करेंगे और फिर वापस वाराणसी, प्रयागराज, सीतापुर आदि होते हुए ये वापस वाराणसी पहुंच जाएंगे। तो ये बन रहा है चक्र। तो इसी तरह का आप चक्र बना सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि सर, मैं पहले जाऊंगा भोपाल, भोपाल से फिर मैं जाऊंगा भीम बैठका जो कि रायसेन में है, फिर मैं जाऊंगा सांची, फिर मैं जाऊंगा कहाँ पर विदिशा में है जो कि उदयगिरी की गुफाएं देखने चला जाऊंगा, सांची, भीमबेटका, फिर उदयगिरी की गुफाएं देखते हुए तीन शहर होते हुए मैं वापस भोपाल आ जाऊंगा। ठीक है, इसी तरह का आप एक टूर इधर इंदौर साइड भी बना सकते हैं कि सर मैं पहले इंदौर जाऊंगा या फिर मैं पहले उज्जैन जाऊंगा, उज्जैन से फिर मैं खंडवा में जो ओंकारेश्वर है वहां पर जाऊंगा, फिर इंदौर जाऊंगा, उसके बाद में मैं
धार चला जाऊंगा, मांडू चला जाऊंगा, तो इस तरह से, और फिर वापस इंदौर आ जाऊंगा। तो इस तरह से आप अपने दिमाग से भी बना सकते हैं। हालांकि इस तरह के प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, और अगर ना बने ना तो आप अपने ही शहर का कोई भी गली का बता दीजिए, ठीक है, तब भी आप सही कर पाएंगे। अब राष्ट्रीय, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग में यार दोस्तों बहुत समस्या आती है। एक तो ये है कि फ़ोन आ गया किसी का बीच में तो पूरी रिकॉर्डिंग ही कैंसिल हो गई। तो अब यहाँ पर से इसको मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ। वैसे भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ये फ़ायदा तो है कि यहाँ पर फ़ोन ज़्यादा गर्म नहीं होता है और मैं वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए बना पाता हूँ। तो चलिए, राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। दिल्ली, जयपुर, अजमेर, चंडीगढ़, अमृतसर, काशी, इनमें से कुछ ज़िले या फिर कुछ शहर तो आपके सिलेबस में हुई होंगे कि जैसे उत्तर भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल और उनके ऐतिहासिक महत्व को बताइए। इसी तरह मध्य भारत और दक्षिण भारत के भी होंगे। तो उन्हीं ज़िलों में से आप किसी किसी का नाम लिख सकते हैं जो फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन या बड़े बड़े शहर हैं, उनके नाम आप लिख सकते हैं, क्योंकि हर शहर में कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। स्थानीय पर्यटनों की बात करें तो स्थानीय पर्यटन की बात करते हुए आपको किसी एक शहर के जो, जहाँ पर आपने टूर बनाया, जैसे वाराणसी की बात करें तो वाराणसी के जो स्थानीय स्थान हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी, गंगा घाट, विश्वनाथ मंदिर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इस तरह की चीज़ों के नाम आप लिख सकते हैं। आप जिस भी शहर से पर्यटन की शुरुआत कर रहे हैं उसके स्थानीय शहरों की आप बात कर सकते हैं। दूसरे में आप देख सकते हैं कि जो आपको ये बताना है कि हम इन चीज़ों को देखते हुए वापस अपने होटल वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने ये तैयार किया कि कैसे जो पर्यटन चक्र है, तो पर्यटन चक्र के आधारभूत तत्व की बात हो या फिर पर्यटन चक्र से आशय की बात हो या फिर एक पर्यटन चक्र के निर्माण की बात हो, इसके उद्देश्य की बात हो, तो पर्यटन चक्र से जुड़े लगभग सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर हल कर चुके हैं। और ये बहुत ही हलुआ टाइप का प्रश्न है। अगर ये आ गया तो मान लीजिए कि आपकी लॉटरी लग गई है। पर्यटन चक्र, सिंपल सी ये बात है कि किसी भी टूर की प्लानिंग करना पर्यटन चक्र कहलाता है। और चक्र, पर्यटन चक्र मतलब कि जिस स्थान से आपने शुरू किया है अपने पर्यटन को, उसी स्थान पर आप वापस घूमकर आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं दूसरे रास्ते से। तो इस तरह से दोस्तों, मेरी तरफ से प्रयास था कि मैं आपको पर्यटन चक्र समझा पाऊँ। अगर मैं अपने प्रयास में सफल हो गया हूँ तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, तुलसीदास कहते हैं, मित्र से याचना करने से प्रेम बढ़ता नहीं, घटता है। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।